इतना तो हम समझ गए हैं कि ये कार्य महल के ही किसी व्यक्ति ने किया है, संभवतः परिवार के ही किसी सदस्य ने। भाबोसा, हम आपको दिया वचन तोड़ रहे हैं। बिजली जी और ध्रुव इस महल में ही रहेंगे। आखिरी बार पूछ रहे हैं, जिसने भी ये कार्य किया है स्वयं अपनी गलती स्वीकार ले। हम दंड देने पे विवश नहीं होना चाहते भाबोसा। प्रताप बड़ा, हमने किया है हुक्म। हाँ हुक्म, हमने ही किया है ये। और हमने अकेले नहीं, चांदी की मदद से किया है। जैसे चाहो तो बारों को थोड़े कोड़े मार लो, पर हमारी जान पकड़ दो, हमारी जान पकड़ दो। रोको इसकी फांसी, क्योंकि बची है इसकी जिंदगी अभी जरा सी। बोलो बाबा। बाबा, 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 बाबा। क्यों हुकुम, हमने इन दोनों को महल में एक साथ देखा था रंगलियां मनाते हुए। और सोचा कि शौर्य बनाने अगर इन्हें ऐसी वैसी अवस्था में देख लिया तो उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। पर हमने ये अकेले नहीं किया, चांदी की मदद से किया था। आप दोनों को यह नहीं करना चाहिए था, दंड तो अवश्य भुगतना होगा। हम घोषणा करते हैं, आज से एक माह तक आप दोनों राजमहल के थाट बाट और सुविधाओं से वंचित रहेंगी। बस कई गलत किया इन दोनों ने प्रताप बड़ा। मारे महल में मारे नाक के नीच रंग रलिया मनाने का कोई अधिकार कोनी किसी को। आधिकारिक रूप से अगर आपको दंड देना है तो इन दोनों को दीजिए और इन्हें मेरे से बाहर कर दीजिए अभी और इसी समय। नहीं, नहीं, तुम्हारी को माफ कर दीजिए, आपको कोई भ्रांति हुई है, ऐसे कुछ ना है। मैं इनसे कभी ना मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी आपको, मैं इनकी ओर देखूंगी बिना। तुम्हारे को मन निकालो महल से, हुकुम तुम्हारे को माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ ना किया है। प्रताप जी, बिजली के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं। आपसे विनती है कि आप बिजली को महल से बाहर मत निकालिए, रहने दीजिए बिजली को।
उठिए। रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, आपका अपमान करने का या आपके चरित्र पर लांछन लगाने का उद्देश्य नहीं था हमारा। आपके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था और आगे से नहीं होगा, हम वचन देते हैं। आप जाएं, विश्राम करें। धन्यवाद। ध्रुव और बिजली के बीच यदि प्रेम प्रसंग है या नहीं और वो उचित है या कोणी, इसका निर्णय केवल हम लेंगे, केवल हम। चल रही है तुसी भी छाप पड़ी होगी हुकुम के मन में मारी, तो आज वो भी मिट गई होगी सत्यानाश। ऐसे चलता रहा तो कैसे बचाऊं अपने महावीर को, कैसे बचाऊं कुछ सब। सोना बाईसा और चांदी बाईसा की ओर से हम क्षमा मांगते हैं, परंतु दोष पूरा उनका भी नहीं है। उन्होंने कई बार आपको और बिजली जी को एक साथ देखा है, अकेले। स्वाभाविक है कि वो ऐसा सोचें कि आप दोनों के बीच कोई प्रसंग चल रहा है। आज हम आपसे सीधे पूछते हैं ध्रुव, क्या आप रानीसा के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि हमारी राज परिवार की मान मर्यादा भूल चुके हैं और अब बिजली जी के साथ होना चाहते हैं? प्रताप जी, अगर प्रेम में अंधा होता ना तो बिजली को तारा सिद्ध करने के लिए आपके इस दरबार में, आपके पास नहीं रुकता। मैं ये जानता हूं कि बिजली ही तारा है। मैं अपनी तारा को ना यहां से कब का भगा कर ले जा चुका होता अगर प्यार में अंधा होता तो। और मैं ये भी जानता हूं जिस दिन आपको ये यकीन हो गया ना कि बिजली ही तारा है, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उसे मुझसे छीनने के लिए। इस बात का भी आभास है मुझे, लेकिन फिर भी रुका हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तारा अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों का चुनाव खुद करे। उसे अपना कर्तव्य चुनना है या फिर अपना प्यार, इस बात का फैसला ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ तारा का है, और ये मुमकिन तभी हो सकता है जब बिजली को उसका अतीत याद आ जाए, उसे उसकी पहचान वापस मिल जाए कि वो बिजली नहीं राजकुमारी तारा प्रिया है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने खुद मुझे कहा था कि तारा की याददाश्त वापस लाने के लिए आप मेरी हर संभव मदद करेंगे। अवश्य करेंगे। कहिए क्या सहायता चाहिए आपको? जितनी मेरी बात हुई है बिजली से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजली को कोई डरा धमका रहा है। कौन डरा रहा है उन्हें?
कोई तो है, कोई तो है जिसके बारे में मैं पता नहीं कर पाया, पर बिजली आजाद हो जाएगी प्रताप जी, आजाद हो जाएगी जब जब उसे अपना अतीत याद आएगा, जब उसे समझ में आ जाएगा कि वो बिजली नहीं है, वो तारा है, और ये संभव तभी है जब जब दो इंसान की हमें गवाही मिलेगी। कौन है ये दो लोग? बिजली के बाबा जगताप और बिजली के भाई महावीर। आप खुद सोचिए, अगर बिजली उनकी सगी बेटी है या फिर महावीर की सगी बहन है, तो उनके पास बिजली के बचपन का कोई तो प्रमाण होगा जो इस बात को सिद्ध कर दे कि बिजली उनकी सगी बेटी है। अवश्य होगा, जाके पूछते हैं उनसे। मैंने कोशिश की प्रताप जी, मैंने बिजली से पूछा भी, मैं बिजली के गांव भी गया, वीरपुर की कुटिया में भी गया, लेकिन ना उसके बाबा मिले मुझे वहां पर और ना उसका भाई। और जब जब मैं बिजली से पूछ रहा हूँ उसके बाबा और उसके भाई के बारे में, तो अलग अलग बातें बना रही है, सीधे मुझे जवाब ही नहीं दे रही है। और प्रताप जी, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक अलग सी घबराहट उसके चेहरे पर आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं प्रताप जी आपसे मदद मांगने आया हूं। देखिए, आप राजा हैं और जो काम मैं करना चाहता हूं वो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ तो अगड़म शगड़म तिगड़म लगा बिजली महाशिवरात्रि की पूजा में, ये राजा सड़ू प्रसाद को कैसे ले जाएगी अपने साथ? मारे को कुछ समझ ना आ रहा। हे भगवान, मदद करो मारी। भगवान जी, कहीं आसपास ही हो क्या? सुनते ही भेज दिया इनको। हम क्षमा प्रार्थी हैं। इनको क्या भगवान दिखने लगे क्या? किससे बात कर रहे हैं ये? आपसे, आपसे बात कर रहे हैं। मारे से? जी नहीं नहीं नहीं, पिछली पक्का सपना देख रही है, कान तो ना बज रहे हमारे। बात की हुरो रैया कर रही है, इन्हें जाना है, चिढ़ाना नहीं है। हुकुम, मारे को समा करना। वो सुबह केला खाया जरा तो जवान फिसल गई। अच्छा हुआ गोंद के लड्डू नहीं खाए आपने, जीवा चिपक ही जाती आपकी। तो कर रहा है ऐसा जवाब फेंक के मारूं कि मुंह पे जाके चिपक जाए, बोलती बंद हो जाए इनकी। पर नहीं, अपनी ये कैची जैसी जुबान की खुजली को सहलाकर शांत कर बिजली, शांत। अब समझ आया हुकुम, अब समझ आया आपकी ये चुपकुला। अब मजा किया है और चुटकुले सुनाई है ना, मारी को बहुत अच्छे लगे। हम यहाँ चुटकुले सुनने सुनाने नहीं आए हैं। तो क्या करने आए हैं? बताइए ना। कल जो हुआ वो ना होना चाहिए था। मारे को माफ कर देना हुकुम, मारे को समा कर देना, मैंने पहले ही माफी मांग ली थी। मारे को माफ कर देना। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे परिवार ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी हाँ, वो भूल चुक माफ, भूल चुक माफ। हर कोई आप जितना सुलझा और सरल थोड़ी हो सकता है, आई समझ। हाँ, भूल चुक माफ। आपने अपने दिल की बात मारे से की, तो मारे को भी आपसे अपने दिल की बात करनी है हुकुम। अब ऐसा है
बला की सुंदर ये मारे को पता है, कोई भी मारे को देखता है तो लट्टू हो जाता है, लेकिन वो ध्रुव बाबू है ना, उनके साथ मारा कोई उलझट्टा ना है, आई समझ? उलझट्टा? हाँ, उलझट्टा। ओ, प्यार प्यार में लपक चपकना हो जाती दो लोगों के बीच, आई समझ? नहीं आई? कैसे समझाऊ? लेकिन जब दो आ गई, आई समझ? हाँ, दो ताली। ना दो, कोई नहीं। अब आप भी सोचिए हुकुम, मारी जैसी हूर की परी बला की सुंदर लड़की को कोई और ना मिला होगा क्या, जो वो चिरकुट चिरोनी जैसे ध्रुव से प्रेम कर बैठूंगी, उनसे लपक झपक करूंगी? देखिए वो दोनों कहाँ हैं हमें नहीं पता, परंतु ध्रुव के बारे में आप जो कह रही थी विस्तार में बताएं, क्या कमी है उनमें? कमी? ए हुकुम, ऊपर से लेकर नीचे तक भरपूर कमी है वो आदमी में, कमी की दुकान है वो आदमी, मैं तो कहती हूँ उनका नाम ना ध्रुव ना होना चाहिए, लप्पू जिंगूर होना चाहिए। क्यों? शकल देखी उनकी, ऐसा लगता है हुकुम जैसे अभी बहुत काम बाकी है, बाल बिखरे, ऐसा लगता है जैसे दिनों से नहाए ना हो। सी और बताएं और सुना? अरे हुकुम, दाढ़ी मूछ ऐसी जैसे अपने आप उगाई खरपतवार। बताओ ऐसे कोई रहता है? ना कद, ना काटी, ना कोई पहनावा। रही बात मारी तो हुकुम, हूर की परी बला की सुंदर लड़की, आपको पता है मारे को जिससे प्रेम हो वो कैसा होना चाहिए? अवश्य बताए। आपके जैसा ऊंची लंबी कद काठी, आहाहा, ये नैन नक्श एकदम कटीले जैसे तलवार की धार, पहनावा हो हुकुम, आप तो एकदम हुकुम टकाटक हो, और वो आई समझ? अभी समझ आ गई हमें, आपके मन के उद्गार ध्रुव के लिए हम भली भांति समझ गए, परंतु हम यहाँ ध्रुव की बात नहीं करने आए थे। तो किसकी बात करने आए थे? हम आपको, आपके भाई को और आपके पिता को शाही भोजन के लिए न्योता देने आए हैं। सकते क्योंकि वो महल में जाकर ज्यादा होशियारी मत करना, मेरी नजर हमेशा तुझ पर रहेगी। वो क्या? वो तीर्थयात्रा पे निकल गए हुकुम, तीर्थयात्रा पे निकल गए शमा। कौन से तीर्थ स्थान पे गए हैं हमें बताएं, हम रथ भेज के बुलवा लेंगे। नहीं, कोई आवश्यकता ना है, कोई आवश्यकता ना है हुकुम, रहने दें। आप नहीं चाहती कि हम आपके परिवार से मिलें, अर्थात आपने हमें क्षमा नहीं किया। ना ना, ऐसी कोई बात ना है हुकुम। तो फिर मिलवाइए उनसे। मिलवा देंगे, संदेशा भिजवा देंगे कल। संदेशा भिजवाइए कि देवगढ़ के महाराज सूर्य प्रताप सिंह राजमहल में उनके साथ शाही भोजन करना चाहते हैं कल। सही कह रहे थे, कुछ तो छुपा रही है वो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.